नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल फिर आपका मित्र हांसी की आवाज पे मुखातिब हूं आपसे। एक सज्जन ने एक नेता से पूछा कि तुम इतना पाप कमाते हो, इसका क्या करते हो? नेता ने कहा कि मैं गंगा मैया में जाता हूं और पाप को धो देता हूं। फिर वो गंगा मैया के पास गया। अरे मैया, तेरे पास इतना पाप इकट्ठा हो जाता है, तू इस पाप का क्या करती है? उष्मा आती है, धूप आती है, वाष्प बन जाती है, समुद्र में चला जाता है। वो सज्जन समुद्र के पास गया। अरे समुद्र भगवान, तुम्हारे पास इतना पाप इकट्ठा हो जाता है, उसका क्या करते हैं आप? बोला, बहुत धूप आती है, वाष्प बन के मैं आसमान में भेज देता हूँ। उसने आसमान से पूछा, हे आसमान देवता, तुम्हारे पास इतना पाप आता है, इतना इकट्ठा हो जाता है, उस पाप का क्या करते हो? बोला, चुनाव के दिनों में जिसका जो होता है, मैं उसको वापस लौटा देता हूँ। आज हम पाप और पुण्य का खेल बात करने के लिए, कौन नेता पाप कमाता है, क्यों ललक उठती है चुनाव लड़ने की, क्यों एक टिस उठती है चुनाव लड़ने की, एक ऐसे बेवाक नेता से बात करेंगे, एक साफ गोई की बात करने वाले एक ऐसे नेता से बात करेंगे, एक ऐसे राजनेता से बात करेंगे जिसने किसान के घर जन्म लिया, फिर कानून की पढ़ाई पढ़ी, फिर एक कांग्रेस नेता बने, 30 साल से पार्टी में रहकर एक सच्चे पेशेवर बनकर कांग्रेस की सेवा की, जो 60 साल से पिछले यानी कि देश की सेवा करती आई ऐसी पार्टी कांग्रेस पार्टी। और एक समय ऐसा आया कि वो एक टैक्स ट्रिब्यूनल के जुडिशियल मेंबर भी बने, बड़ा मुकाम हासिल किया। आपकी पत्नी डॉक्टर बूरा एक गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हैं इंग्लिश की, अच्छे परिवार से आते हैं। आप हैं हरपाल बूरा जी, मूलतः घिराए गांव के हिसार में आप रहते हैं और हांसी हल्के से बिलोंग करते हैं। 1996 में इन्होंने चुनाव लड़ा, उसके बाद बराबर ये जदोजहद में लगे रहे कि कैसे इनको टिकट मिले, लेकिन टिकट के समय जब बात आती है तो कभी घिराया का इधर हो गया, कभी उधर हो गया, परिसीमन बदलते रहे, परिस्थितियां बदलती रही। इस बार हरपाल बूरा जी पूरे यानी दमखम के साथ चुनावी समर में उतर गए हैं और पूरे दावे के साथ कहते हैं कि उन्हें कांग्रेस की टिकट मिलेगी। मित्रों, आपको मालूम है कि चुनाव नज़दीक आ गया है। ऑलमोस्ट जैसा सूत्रों से हमें मालूम हुआ है कि 17 या 18 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी और 20 अक्टूबर को चुनाव की तारीख भी सूत्रों के मुताबिक, अभी फाइनल नहीं हुआ है, निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन हमें मालूम पड़ा है कि 20 अक्टूबर को चुनाव लगभग होंगे। आइए हरपाल बूरा जी से जानते हैं। कांग्रेस नेता हैं, एक लीडिंग एडवोकेट हैं, पूर्व में टैक्स ट्रिब्यूनल मेंबर भी रह चुके हैं, कि बदलते चुनावी सिनेरियो के अंदर, बदलती परिस्थितियों में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी बदले गए हैं, तंवर जी बदल दिए हैं, सहजा जी गद्दी नशीन हो गई हैं, उसके बाद अपने भूपेंद्र हुड्डा जी जिसे आप अपना आइकॉन मानते हैं और राजनीति गुरु भी मानते हैं, वो विधायक दल के नेता बनते हैं। ऐसे में हरपाल बूरा जी जिन्होंने सबसे पहले अपना कार्यालय खोला, तो कहाँ खड़े हैं टिकट के दावे? देखो बंसल साहब, टिकट का तो ऐसा है, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी नेशनल लेवल की पार्टी है, इसमें एक इलेक्शन कमेटी का गठन किया गया है जिसमें 26 आदमी हैं, जो शैलजा जी अध्यक्ष हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो विधायक दल के नेता है, उसके अलावा भी कमेटी में 24 आदमी को और लिया गया है, चाहे कुलदीप जी हों, चाहे तंवर जी हों, रणदीप सुरजेवाला जी हों, चाहे श्रीमती किरण चौधरी जी हों, उनको सबको मुझे लगता है कांग्रेस एक सामूहिक नेतृत्व की तरफ की बढ़ रही है और सबको, सभी वर्गों को, सभी नेताओं को वो इकट्ठा लेकर के एक एक मैसेज कांग्रेस पार्टी ने विधायक दल के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और बहन शैलजा जी ने एक आम जनमानस को और कांग्रेस को और इस प्रदेश की जनता को एक संदेश दिया है कि वो 5 दिनों में सारे हरियाणा को कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे और सभी टिकटार्थियों का आकलन भी करेंगे सभी हलकों से,
कांग्रेस पार्टी में हर हल्के 90 के निर्वाचन में टीटारथियों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी, इसका मतलब ये सत्ता के नजदीक है। जो लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि भाई ये नेताओं का किसी प्रकार का कांग्रेस में कुछ भी, सभी नेताओं का मुझे लगता है, बताइए कि कितने दिन में टिकट का आवंटन हो जाएगा। ये तो देखो पार्टी हाईकमान बता सकती है, हुड्डा जी बता सकते हैं, शैलजा जी बताते, कोई और बड़ा नेता बता सकता है। इसका तो ये प्रोसेस है, हाँ टच में हूँ मैं, अपना जो मेरा कार्य प्रणाली है, जो मेरा, मैं 30 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, मैं अपना दावा पेश कर दिया है और मैंने नेताओं को बता भी है, वो मेरे को पर्सनली व्यक्ति के तौर पर सभी नेता मुझे जो सीनियर नेता वो जानते भी हैं, और 2 साल से मैं फील्ड में लोगों से पर्सनल टच में हूँ। और दूसरा, मैंने कुछ लोग एक आम राजनीति में, राजनीति के मैंने बदल दिए कि कुछ लोग राजनीति के को अर्थ को भी नहीं समझते, लेकिन किसी तरह से किसी व्यापार में कहीं और से पैसा मिल गया तो पैसा होता ही आदमी राजनीति की तरफ भागता है कि MLA भी बन जाऊँ। लेकिन ये एक राजनीति में बहुत बुरा दौर है और लोग भी इसी बात से प्रभावित होते हैं। मैं लोगों से, 80 के लोगों से, मैं हरियाणा और देश के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से एक अपील करता हूँ कि जो आदमी कपड़ों की तरफ पार्टियां बदलते हैं, टिकट ना मिलने पर दूसरे भागते हैं, क्या 30 साल से क्षण के बाद मुझे टिकट नहीं, क्या मैं भाग गया? मैंने कोई ताक झांक नहीं करी, मैं पर कार्य करता रहा। जिसने कांग्रेस ने पार्टी की टिकट दी उस पर, जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने योगेश मजाक टिकट दी, तो मैं शुक्रिया। आज के दिन मैं कांग्रेस पार्टी में सबसे सीनियर हूँ और प्रबल दावेदार हूँ, और उनमें धरातल से उठ के मैंने काम किया है, और मुझे लगता है हाईकमान मुझे पर सहानुभूति मेरे ऊपर विचार। बड़े मुखर होकर बोलते हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। एक पिक्चर आई थी, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को गुस्सा क्यों आता है, आपने इस पर टिप्पणी भी विवाद दी थी कि पिछले दिनों बरवाला हल्के में जब वो गए तो किसी कार्यकर्ता ने उन्हें मुकुट दिया तो आवेश में आ गए, तो इस पर आपकी बड़ी एक बहुत तीखी टिप्पणी आई थी, क्या था वो? वो ये था कि बंसल साहब, ये जो राजनीति में अहंकार है, अहंकार ने, जिस व्यक्ति ने भी अहंकार किया उसका जनता ने अहंकार तोड़ दिया। ये चीफ मिनिस्टर जैसे गरिमा के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, किसी अपने कार्यकर्ता को उसके सम्मान में उसको मुकुट भेंट किया जा रहा था, तो उसने पीछे मुड़ करके मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, तेरा सिर काट दूंगा, तेरी गर्दन काट दूंगा। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले को, फिर ये हुआ कि पहले बिला 370 हटा दी गई, ये उनका अहंकार बोल रहा है। और मैं कहता हूँ जनता इस अहंकार को, इसका इतना प्रचार हुआ है, 40 सीटें आई, तो ये जो ओवर एस्टिमेट हम जो करते हैं, इसका जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के करेगी, कांग्रेस पार्टी का और उसका भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला होगा। आ गया था और कई MP ऐसे थे उनको शकल से नहीं जानते, नाम से नहीं जानते। अब कई मैं ढाणी मैदान में गया हुआ था तो वो लोग कहने लगे, हमने आज तक चौधरी बिंदर सिंह को नहीं देखा, चौधरी बिंदर सिंह की धर्मपत्नी को नहीं देखा, हमने बिरेंद्र सिंह के लड़के को नहीं देखा, और वो MP बन गए। अब नुमाइंदा चुनने के लिए लोगों में वो पहुंच भी नहीं सके, उन तक जा भी नहीं सके। अब विधानसभा लोकल मुद्दों पर आधारित चुनाव होगा, और भारतीय जनता पार्टी में जो टिकटार्थी की भीड़ नजर आपको आ रही है, ये भीड़ वापस भी भारतीय नजर आएगी। बड़ा इसी प्रकार जब चौधरी बंसीलाल की सरकार में 17 व्यक्तियों ने डिफेक्शन कर करके बंसीलाल की सरकार गिराने का काम किया, फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पदभार संभाला, तो उन्होंने जो 17 डिफेक्टर्स थे उनकी सारों की टिकटें काट दी, 17 वो चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार। एक मिनट लेट मी कम्प्लीट माई वर्सन फर्स्ट एक सेकेंड आपके लिए। तो चौधरी बंसीलाल ने भी ये कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, मैंने अपने जीवन में एक अच्छा काम करते हुए देखा कि जो 17 आदमी की टिकट काट दी। एक जवाहर सैनी थे जिनका मैं पहले ऊपर जिक्र कर चुका हूँ, उन सभी का एक ऐसे कोऑर्डिनेशन से कर करके कांग्रेस पार्टी की फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि सारे नेता अगर एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी जमानत बचाने के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की इतनी हवा बढ़ी है और ये लग रहा है, तभी तो लोग कांग्रेस की तरफ भाग रहे हैं। 10 दिन चुनाव करेंगे, 15 दिन चुनाव करेंगे तो कांग्रेस की तरफ भाग रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? इससे ये लग रहा है कि
भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी का अपर हैंड दिखाई देता है। मैं एक शॉर्टकट में आपसे बात जी कि जब कोई नया नियम लागू किया जाता है, लोगों को अपने वाहन चालकों को अपने ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जाती है, उनको हेलमेट के लिए भी कहा जाता है, तो आप लोग उसे कहते हैं कि ये जाजिया टैक्स लगा दिया, ये इतना चालान काट रहे हैं, और ऐसा क्या कर दिया? ये एक मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान के यातायात मंत्री नितिन गडकरी जी को मैं एक अच्छा व्यक्ति मानता हूँ और बड़े सुलझे हुए व्यक्तियों को मानता हूँ। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की कि ये इतने भारी भरकम जुर्माने इसलिए किए गए हैं ताकि एक्सीडेंट कम हो। मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए कि इतना बयान देना कि क्या भारी भरकम जुर्माने से एक्सीडेंट रुक जाएंगे। पहले आप जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी का रोड टैक्स लिया जाता है, फिर हम टोल टैक्स देते हैं। अभी पिछले दिनों में मैंने के याचिका डाली हाई कोर्ट के अंदर कि चिकनवा से और मायड़ तक जो टोल टैक्स का नियम है 60 किलोमीटर तक का, वो उनका 48-49 किलोमीटर ही पड़ता है और दूसरा टोल टैक्स भी लगा दिया। आप हाँसी से जाओ या हिसार से जाओ, दिल्ली तक जो रोड आपका टोल टैक्स जो सरकार आपसे भारी भरकम टैक्स वसूल करती है, वो इसलिए कि हमारे घर रोड दिया जाए, रोड के अंदर गड्ढे हैं, आपके इंडिकेटर नहीं है, आपके रिफ्लेक्टर नहीं है, आपके आवारा पशु घूम रहे हैं, रात को लाइटें नहीं है, जिनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। नितिन गडकरी जी, भारी भरकम जुर्माने से एक्सीडेंट कम नहीं होंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों अखबार में आपके चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आपने ये देखा होगा, एक ट्रक चालक का 47,000 का जुर्माना कर दिया गया, एक स्कूटी वाले का 23,000 का जुर्माना कर दिया गया, एक ट्रैक्टर ट्रैली का 59,000 का वो जुर्माना कर दिया गया। क्या आपने पढ़ा किसी मर्सिडीज गाड़ी का चलान किया गया? ये कानून नहीं है, ये गरीब जनता को, थ्री व्हीलर के, टू व्हीलर को, ये मध्यम निम्न वर्ग के लोगों को, उनके ऊपर एक कुठाराघात किया गया है और भारी भरकम जुर्माना डबर के उन जनता का प्रताड़ित करने का काम किया है। क्या अमीर लोग कानून नहीं तोड़ते? वो कहा गया किसी का, आपने पढ़ा कि इतने बड़े किसी बड़े आदमी का कानून का उल्लंघन किया, उसको पकड़ लिया गया हो? ये आप जबरदस्त निम्न और मध्यम वर्ग के लोग लगा गया है। हाँसी में आ जाइए, हाँसी से आप चुनाव लड़ने के बिल्कुल इच्छुक हैं जी भाई, हु कंट को टिकट मिले या टिकट पे ही लड़ेंगे या ना मिले? देखिए, मैं कई बार इसको कह चुका हूँ कि मैंने एक बात का कांग्रेस पार्टी में, मैं 30 साल से कांग्रेस का पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है, कभी मैं अपने आप को नेता नहीं समझता। लेकिन पार्टी ने 1996 के बाद मुझे कांग्रेस की टिकट नहीं दी, गिराया रखा 80 हल्के में 2009 से मारी से। हमारे जो चार गांव हैं, चुगामा, मिसबते, गिराए, चनत, बाटला, गुलाना, उन लोगों ने 2 साल पहले हमने एक पंचायत करके, चुगामा पंचायत ने एक फैसला किया था, टिकट मिले या न मिले चुनाव आपने अवश्य लड़ना लगा कि भाई अरबान बुरा पार्टी से कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे मुझे कहीं दूसरे ताक जात करने की मैंने कभी प्रयास नहीं किया। टिकट मिले कांग्रेस पार्टी में सबसे मैं सीनियर हूँ, मैंने अपना दावा पेश किया है, अपनी बातें रखी है, मैंने अपने 2 साल से जो कार्यक्रम मैंने चलाया, अपना कार्यालय भी खोल दिया और मैं चुनाव 100% लड़ूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को मैं छोड़ूंगा नहीं और कांग्रेस पार्टी को मैं रह लूंगा, टिकट नहीं मिलती तो मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा, चुनाव अवश्य लड़ेंगे। एक बात और बताएं कि अब आपने कार्यालय खोल लिया, बाइक रैली निकाल ली, सब कुछ चुनाव ली, यानी कि आपने कहा कि मैं लड़ना का इच्छुक हूँ, चुगामा मुझे प्रेशर करेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी टिकट नहीं देगी तो आपका चुगामा जो जिसने पंचायत की, महापंचायत की, वो अगर आपको प्रेशर करेगी तो आप चुनाव मैदान में भी समर में भी कर जाएंगे। इन तमाम यानी कि भाजपाइयों से और जेजेपी से और इनलो से लड़ने के लिए आप सक्षम हैं अपने आप को? बिल्कुल, पार टिकट में सीट निकाल जाएंगे यहाँ से? बिल्कुल, ये जातीय समीकरण आड़े हाथ तो नहीं आएगा आपको, यानी कि जो अक्सर राजनीतिक, ये जातीय समीकरण, ये तो मैं कहता हूँ राजनीति बड़े राजनीतिक लोगों की देन है, जो बड़े बड़े महलों में किसी पार्टी के और बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, उन्होंने कुछ नहीं लेना देना होता।
और ये जो जातीय समीकरण और जातीय बातें और ये संप्रदाय की और धर्म की जाति की जो बात की जाती है वो गांव में पंचायत का मेंबर नहीं बन सकता जो इस बात में विश्वास करता है, और वो शहर में वार्ड का मेंबर भी नहीं बन सकता। ये गलत फहमी का शिकार है। मैंने ग्रामीण जनता में उनके साथ मैंने 2 साल से कार्य किया है, उनको मैंने अपनी अक्षमता दिखाई है और मैंने लोगों को भी अपनी अक्षमता दिखाने का काम किया है। और शहर में मैंने एक ये देखा कि लोगों ने जब लोकतांत्रिक तरीके से सभी प्रशासन को ज्ञापन दिए, आंदोलन चलाए और ये शहर को सफाई करने का काम की गुहार लगाई, जब मैंने ये देखा कि शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं, तब मैंने कानून का सहारा लेकर के एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में याचिका डाली, जिसकी पिछले दिनों 25 तारीख रिप्लाई पर लगी थी कमेटी को। उसमें मैंने कंडीशनल ऑर्डर पास SDM साहब ने किया है कि उसमें तय समय सीमा की गई है, तय समय सीमा निश्चित की गई, इतने समय में आप करो। ये थे हरपाल बुरा जी, जो यानी कि कांग्रेस की टिकट का दावा पेश करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस मुझे 100% टिकट देगी और कांग्रेस की टिकट पर मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं पूरे हलके में घूम घूम कर छत्तीस बरादरी में अपना चुनाव प्रचार कर रहा हूँ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं साहब हरपाल बुरा जी, आप हर एक बात को अच्छी तरह एलिब्रेट करते हैं, परसोनीफाई करते हैं और हंसी की आवाज़ पे आप हम बाकायदा आप दूसरी और तीसरी मरतबा आए हैं, हम आपका अभिनंदन भी करते हैं, आभार भी व्यक्त करते हैं कि आप हमारा काम है राजनेताओं की बात आप तक पहुँचाना, जनता आकलन करेगी, चुनाव नज़दीक आ गया है और जनता एक आईना होती है, यानी कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि पूरे 5 साल काम नहीं करते तो ऐन वक्त पर आकर हरपाल बुरा जी अपना सजबाग दिखाने लगते हैं, ऐसे लोगों को भी पहचानती हैं और जो हमेशा अपोजिशन में रह के रहे और पब्लिक की सेवा भी करते रहते हैं, ऐसे लोगों को भी पहचानती है। तो ये सब कुछ जनता पर निर्भर है। चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है अक्टूबर माह में, जैसे मेरे सीनियर साथी अजय सैनी जी आज मुझसे गुफ्तगू कर रहे थे और बता भी रहे थे, वो हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं लेकिन उनकी अहम भूमिका रहती है हंसी की आवाज़ पर, तो कह रहे थे बंसल जी 20 अक्टूबर को चुनाव होना निश्चित सा लग रहा है और 17 या 18 तारीख को वो लग जाएगी आचार संहिता, तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या, ऊँट किस करोट बैठता है, कौन सी पार्टी सत्ता में आती है, क्या BJP रिटेन करती है या कांग्रेस अपना खोया हुआ अस्तित्व वापस लेके आती है, सब भविष्य गर्म में है। लेकिन आपसे एक वादा करता हूँ, चला जाता हूँ लेकिन एक वादा आपसे लेता हूँ कि आप हंसी की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी मालूम हो कि हमारा चैनल आप किस कदर पसंद करते हैं। चले जाते हैं तेरी महफिल से हम, और ये दिल घबराए तो फिर बुलाइएगा, फिर बुलाइएगा, मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ, तब तक राजीव बंसल का प्यार भरा नमस्कार।